गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हो फील द लाइफ। दोस्तों, मैं हूँ अलीबाग में। आज है 3 जून, वेनसडे। अलीबाग के बीच के पास मेरा घर है और आज निसर्ग साइक्लोन जो है वो हिट करने वाला है। अभी सुबह के बजे है, कितना बजा है, 9:15 बजा है और लगभग 12 बजे के आसपास निसर्ग साइक्लोन अलीबाग के बीच पे आने वाला है, अलीबाग में टच होने वाला है। अभी हालत कुछ ऐसा है बाहर का कि सिर्फ जैसा नॉर्मल बारिश के सीज़न में होता है हवा, उस टाइप का है और हल्की फुल्की बारिश है। रात में भी कुछ ज़्यादा बारिश नहीं थी, हवा भी नहीं थी। दोस्तों, मेरे घर के सामने ये जो है ये एसपी ऑफिस है। किधर गया? हाँ, ये जो है ये एसपी ऑफिस है और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी एम्बुलेंस आके रुकी हुई है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। कुछ अगर बढ़ता है, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पे सारी एम्बुलेंस और प्रिकॉशंस के लिए ये सारी टीम रेडी है यहाँ पे। तो ये मेरा गाड़ी यहाँ पे पार्क है। यहाँ पे एक स्टेयर बना हुआ है और गैरेज भी है, बट आज थोड़ा डाउट है मुझे ये बचेगा या नहीं।
अब गाइस दोपहर के 12 बज चुके हैं और निसर्ग साइक्लोन जो है वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है अलीबाग को। आप बाहर देख सकते हो पूरा माहौल जो है वो पूरा देखो कितना भयानक है। हवा चल रहा है पूरा पुलिस अपनी ड्यूटी बजाते हुए कहीं भी कम नहीं पड़ रही है। लोग कोरोना हो कुछ भी हो ये डिजास्टर हो हवा पानी कुछ नहीं देखते और हमेशा अपनी ड्यूटी पे तत्पर रहते। वाह सैल्यूट है यार इन लोगों को। यहाँ से घर के बाहर पैर रखने के लिए भी मुझे डर लग रहा है और ये पूरे पूरी की पूरी टीम बाहर काम कर रही है। देखो ओह माय गॉड पूरा पानी अंदर आ गया। बाल बाल बची है। ओह माय गॉड ये देखो पूरा पूरा पेड़ नीचे से आ गया ऊपर। और शिट दो 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 पेड़ ए और एक यहाँ से गिरा। सो गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं गाड़ी पे। हालांकि कुछ हुआ नहीं है और बस बारिश और ये पत्ते गिरे हुए हैं। निसर्ग साइक्लोन जो था ये पूरा 2 से 2.5 घंटा चला है। अभी थोड़ा कम हुआ है मतलब सुबह 10 बजे के आसपास इसका जो जोर था वो थोड़ा कम था। धीरे 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 बढ़ने लगा और 12 बजे से लेके 2-2.5 बजे तक ये इतना तेज़ हो गया था
ये बड़े बड़े पेड़ इसने उखाड़ दिए थे। आपने जैसे पीछे इसके यहाँ पे पूरा पेड़ था, वो जो मैंने आपको दिखाया पीछे था, वो पूरा जड़ से उखड़ गया है। हालांकि समुंदर जो था वो बहुत शांत था, क्योंकि जो हवा चल रही थी वो अपोजिट डायरेक्शन से चल रही थी, समुंदर के साइड से नहीं चल रही थी। तो इसके लिए कीड़ा, तो इसके लिए वो एक बात अच्छी रही, अगर हवा अगर समुंदर की साइड से होती तो शायद वेव्स बहुत बड़ी बड़ी होती और यहाँ तक पानी आ सकता था। जैसे कि आप देख सकते हो कि वहाँ पे समुंदर है और ये मेरा घर है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो पानी यहाँ तक आ सकता था। अरे ये एक नारियल का, और ये दो तीन चार, मुझे डर था कि कहीं टंकी पे कुछ पेड़ ना गिर जाए और वो टूट ना जाए। यहाँ पे ये गिरा है, इसको निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे, बहुत भारी है। अरे इसको निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मुझे सबसे ज़्यादा डर था इस पेड़ का। वहाँ से टूट तो गया है ये, यहाँ से पूरा वो कभी भी आ सकता है नीचे। वो है ये, जिसका ज़्यादा डर था वो सूखी हुई टहनी, वो तो गिरी नहीं, बाकी ये वाली गिर चुकी है। और इधर भी एक पेड़ गिरा हुआ है पीछे, ये देखो ये कितना बड़ा पेड़ है, ये भी गिर चुका है। ओह माय गॉड, ये अच्छा हुआ ये नहीं गिरा, अगर ये गिरता था तो पूरा मेरा घर के ऊपर आता था और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये भी गिर चुका है। और यहाँ पे भी दो चार पेड़ गिरे हुए हैं।